हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग आप सभी को। खुश रहें सभी बेटा? या डेफिनेटली आई एम गुड। ओके, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाएं। आज हम जीत की सीरीज का सेकंड पार्ट आज हम बात करने वाले हैं और इसको हम क्लियर करने वाले हैं। हाँ बेटा, कल क्लास नहीं हो पाई थी ड्यू टू सम अनफेवरेबल कंडीशंस, बिकॉज इन अवर जीडीसी द एमडी ऑफ जीडीसी मिस्टर पीयूष जायसवाल सर, वी हैव लॉस्ट देयर मदर। सो टुमारो we have make it as a condolence, so that's why the classes was off at all stages. Okay, so just we think may our God bless their soul in their feet. So definitely that was the very heavy moment for all of us. That's why tomorrow class was suspended. So I hope you all will pray for her. Okay, चलिए okay. इसीलिए बोलते हैं बेटा, चलती लाइफ हमारी चलती रहती है, कभी किसी स्टेज पे, कभी किसी रुकती नहीं है, और हमें चलते रहना है समय के साथ। जो भी सारी कंडीशंस आए, जो भी हो, हर चीज़ में हमें आगे बढ़ना है। बस ये उन्हीं से हमने सीखा है और उन्हीं को हम आगे फॉलो करते हैं। आइए चलिए आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोग अपना एक सेकंड का टाइम लेके, दो सेकंड का टाइम लेके उनके लिए प्रे ज़रूर करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों की ये विशेज, आप लोगों की ये प्रे जरूर उनके लिए बहुत चलिए जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं, आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल बेटा, जीवन है और जीवन का सबसे बड़ा रूल यही होता है कि चलते रहना है हमें, है ना। और हमारी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आ सकती है, ठीक है। और पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और आई होप ज़रूर हम आगे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करें। आज हम जीत सीरीज में आज हम सेकंड क्लास है हमारी, ये पार्ट टू आज हम बात करने वाले हैं। और इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं अबाउट द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में हम मेनली बात करेंगे जो भी हमारी ड्रग यहाँ पे काम करती हैं, कैसे वो एक्ट करती हैं, कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं, कैसे उनकी सारी मैकेनिज्म होती है, उन सारी चीजों को लेके यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आप लोग जस्ट एक बार इस लिंक को सारे बच्चे अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर देंगे, सबको पता चले कि हाँ कल क्लास नहीं हो पाई थी, बट आज हम इस जिस सीरीज का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं,
एंड आई होप आप सभी लोगों को, जो आप लोगों का रिस्पॉन्स आया है उसको देख के नो डाउट मुझको बहुत अच्छा लगा है, हमको हमारी पूरी टीम को बहुत अच्छा लगा है और इससे मोटिवेशन भी मिला है और हम कोशिश करेंगे कि आगे हम इस चीज को और अच्छे से अच्छे कर सकें और ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको हम क्लियर आउट करके दे सके ताकि आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे हो सके। तो हाँ, मैं आप लोगों के इस बात से सहमत हूँ कि जीडीसी कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन को टफ बनाने में लगा हुआ है। तो यहाँ पे बेटा वही जीतेगा, वही विनर होगा जो मेहनत करेगा। तो हमें मेहनत से नहीं भागना है, हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रिपरेशन करना है और अपनी मेहनत करना है, ठीक है। चलिए विद दिस आइए बात करते हैं आज के बारे में, पैरासिंपैथेटिक सिस्टम। देखिए पैरासिंपैथेटिक सिस्टम का मतलब क्या है, हमने कल बात किया था, लास्ट क्लास में हमने बात किया था ANS में दो पार्ट हमने बात किया कि ANS के दो पार्ट होते हैं, पहला हमारा पैरासिंपैथेटिक सिस्टम और दूसरा हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम। तो सिंपैथेटिक हम बाद में बात करेंगे, अभी हम पैरासिंपैथेटिक लेके चल रहे हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम में व्हाट वी हैव गॉट टिल नाउ, सिंपैथेटिक सिस्टम इज रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम इज द कूल एंड काम सिस्टम, द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन द सिंपैथेटिक सिस्टम इज द एसिटाइलकोलीन। ये कुछ चीजें हैं जो अभी तक हमारे माइंड में आ चुकी हैं और डेफिनेटली वो सारी चीजें अभी तक हमारी रिकॉल में हमारे माइंड में बस चुकी होंगी। तो अब अगर मैं इसी पैरासिंपैथेटिक सिस्टम को, बच्चों मुझे कंफर्म करिएगा अगर मेरी बात आप तक पहुंच चुकी हो, कि अगर इसी पैरासिंपैथेटिक सिस्टम को मैं कोलिनर्जिक सिस्टम बोल दूं तो क्या कोई दिक्कत है? यहां पे पैरासिंपैथेटिक या पैरासिंपैथेटिक सिस्टम को कोलिनर्जिक सिस्टम बोल दिया जाए तो आई होप आप तक ये बातें क्लियर होंगी कि हाँ दोनों का मतलब सेम है। अब यहां पे दो चीजें आएंगी कि यहां पे एक वो क्लास होगी जो मेरे इस सिस्टम में एगोनिस्ट के रूप में काम करेगी और एक मेरी वो होगी जो इस सिस्टम में एंटागोनिस्ट के रूप में काम करेगी। तो जो एगोनिस्ट के रूप में काम करेगी उसको हम पैरासिंपैथोमाइमेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? पैरासिंपैथोमाइमेटिक बोलेंगे। और दूसरा जो एंटागोनिस्ट के रूप में काम करेगी उसको हम पैरासिंपैथोलाइटिक बोलेंगे। सिंपैथेटिक एंड लाइटिक अपोजिट बोल गए आप, पैरासिंपैथेटिक कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, क्या दिक्कत हुई बेटा? ये नो सर क्यों बोल रहे हो बच्चे? चलिए आ जाइए। तो अभी हम ठीक है, फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, अपोजिट बोल गए थे, ठीक है, अगर ऐसा कुछ गलत बोल दिया था तो फिर से मैं क्लियर कर देता हूं। मैंने क्या बोला कि जहां हमने बोला पैरासिंपैथेटिक सिस्टम बोला, इस पैरासिंपैथेटिक सिस्टम को ही हमने बोला क्या? कोलिनर्जिक सिस्टम बोला। क्या बोला? कोलिनर्जिक सिस्टम इसलिए बोला क्योंकि यहां पे हमारा मेजर न्यूरोट्रांसमीटर क्या था? एसिटाइल कोलिन था, इसीलिए इसको हमने नाम दिया क्या? कोलिनर्जिक सिस्टम बोला। अब यहां पे हमारी एक ड्रग होगी जो एगोनिस्ट के रूप में यहां काम कर रही होगी और दूसरी ड्रग होगी जो यहां पे एंटागोनिस्ट के रूप में काम कर रही होगी। अब अगर जो एगोनिस्ट के रूप में काम करेगी इसको हम बोलेंगे बेटा पैरासिंपैथोमाइमेटिक और मिमेटिक, आप कुछ भी प्रोनंसिएट कर लीजिए, पैरासिंपैथोमाइमेटिक बोल लें या इसी को कहीं कहीं आप लोग कोलिनोमाइमेटिक भी पढ़ते हैं, कोलिनोमाइमेटिक भी पढ़ते हैं। मतलब कोलिन मतलब एसिटाइल कोलिन की बात हो रही है, माइमेटिक मतलब जो एगोनिस्ट के रूप में काम करे या उसी के जैसा काम करे, तो उसको हम बोलेंगे क्या? कोलिनोमाइमेटिक बोलेंगे। पैरासिंपैथोमाइमेटिक में हमारा क्या हो गया? जो एगोनिस्ट, माइमेटिक मतलब क्या हुआ बेटा? एगोनिस्ट। पैरासिंपैथेटिक सिस्टम में जो एगोनिस्ट के रूप में काम करेगी उसको हमने क्या बोला? उसको हमने क्या बोला? पैरासिंपैथोमाइमेटिक बोल दिया या कोलिनोमाइमेटिक बोल दिया। अब मैंने बोला अगर यहां पे मैंने एंटागोनिस्ट अप्लाई कर दिया, क्या कर दिया बेटा? एंटागोनिस्ट अप्लाई कर दिया, तो एंटागोनिस्ट वाले को क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पैरासिंपैथोलाइटिक। क्या बोलेंगे? पैरासिंपैथोलाइटिक। लाइटिक का मतलब यहां पे क्या हो गया? एंटागोनिस्ट से रिलेटेड है, जो अपोजिट काम करेगा। और इसी को अगर मैंने कोलिनोलाइटिक बोल दिया
कोलिनोलाइटिक या कोलिनर्जिक एगोनिस्ट बोल दिया तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये नेम क्लियर हो गए होंगे। अब हमने यहाँ पे एक चीज कंफर्म किया कि हमारा यहाँ पे जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या होने वाला है बेटा, एसिटाइल कोलीन होने वाला है, एसिटाइल कोलीन होने वाला है। सो एसिटाइल कोलीन इज द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन द पैरासिंपैथेटिक सिस्टम एंड दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज सिंथेसाइज्ड लोकली। लोकली का मतलब क्या होता है, थोड़ा सुनिएगा। सपोज यहां पे मेरी क्या होगी, ये एड्रिनर्जिक न्यूरॉन, कोलिनर्जिक न्यूरॉन है। इस कोलिनर्जिक न्यूरॉन में मेरी एक वेसिकल है, इस वेसिकल में मेरी एसिटाइल कोलीन आके स्टोर्ड होगी, लेकिन कहां बनेगी, कहां, यहां तो स्टोरेज हुआ, बनेगी कहां, वो यहीं पे, यहीं प्रोसेस में, यहीं पे बनेगी और यहीं स्टोर्ड हो जाएगी। तो हमने क्या बोला कि लोकली बनी और जहां बनी वहीं जाके वेसिकल में स्टोर्ड हो गई। सो सिंथेसाइज्ड लोकली इन द कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग, कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग में ही ये हमारी क्या होगी, सिंथेसाइज्ड होगी। सो नाउ वी हैव द एसिटाइल कोलीन सिंथेसाइज्ड इन दिस लोकेशन। जी हां, वहीं पे बनेगा, वहीं स्टोर्ड होगा। नहीं बेटा भावना, वहां काम नहीं करेगा। वहां पे अगर वही काम कर गया तो फिर ऑटोक्वाइड और इसमें अंतर क्या रह गया, थोड़ा सोचिएगा। हमने क्या बोला, सिंथेसाइज्ड होगी इसी नर्व एंडिंग में और वहीं पे जाके स्टोर्ड हो जाएगी, बस इतनी हमने अभी तक बात की। और अगर वो स्टोर्ड जो हो चुकी, वहां से फर्दर वो रिलीज होगी। जब ये यहां से रिलीज होगी, रिलीज होने के बाद ये अपने रिसेप्टर पे काम करेगी, काम करने के बाद इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म कौन करेगा, यहां पे मेटाबॉलिज्म कराने वाले एंजाइम का नाम है एसिटाइल कोलीन स्टेरेज, और सिंपली वी कैन से कोलीन स्टेरेज बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, कोलीन स्टेरेज या एसिटाइल कोलीन स्टेरेज बोलेंगे। बात समझ में आ गई, आ जाइए। एसिटाइल कोलीन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम कोलीन स्टेरेज, या एसिटाइल कोलीन स्टेरेज भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या है, जो ये कोलीन स्टेरेज होता है ये दो टाइप का एंजाइम होता है, ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, यहाँ पे ये होता है एसिटाइल कोलीन स्टेरेज जिसको हम ट्रू कोलीन स्टेरेज भी बोलते हैं, और दूसरा होता है ब्यूटाइरिल कोलीन स्टेरेज जिसको हम स्यूडो कोलीन स्टेरेज बोलते हैं। बात आती है सर ये ट्रू और स्यूडो का मतलब क्या है, ये ट्रू और स्यूडो का मतलब क्या है। ट्रू का मतलब ये होता है कि ये हमारे बॉडी में मैक्सिमम पार्ट में प्रेजेंट रहेगा, पहला पॉइंट। ये एसिटाइल कोलीन को कंप्लीटली मेटाबोलाइज कर देगा, दूसरा पॉइंट। और अगर हम ब्यूटाइरिल कोलीन स्टेरेज के बारे में बात करते हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्यूडो कोलीन स्टेरेज बोल रहे हैं, ये एंजाइम हमारे कुछ स्पेशल लोकेशंस में ही प्रेजेंट रहेगा, लाइक प्लेटलेट्स की बात करते हैं या हमारे कुछ ब्रेन वाले पोर्शंस में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये हर जगह हमारे प्रेजेंट नहीं होंगे। तो क्या आपने समझा कि एसिटाइल कोलीन कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग में सिंथेसाइज्ड होगी और वहीं पे स्टोर्ड हो जाएगी, और जब रिलीज होगी तो रिलीज होने के बाद इसको मेटाबॉलिज्म कौन कराएगा, कोलीन स्टेरेज एंजाइम मेटाबॉलिज्म कराएगा। जो कोलीन स्टेरेज दो टाइप का होता है, एक हमारा होता है एसिटिल कोलीन स्टेरेज और दूसरा होता है ब्यूटाइरिल कोलीन स्टेरेज। एसिटिल कोलीन स्टेरेज को ही हम बोलते हैं क्या, ट्रू कोलीन स्टेरेज बोलते हैं, और स्यूडो वाले को हम क्या, ब्यूटाइरिल को क्या बोलते हैं, स्यूडो कोलीन स्टेरेज बोलते हैं। ये बात मैंने सिंपली अभी तक यहां पे क्लियर की। अब बात आती है कि एसिटाइल, सर एसिटाइल कोलीन स्टेरेज को कभी भी हमने ये नहीं पढ़ा कि इसको हम क्लिनिकली यूज करते हैं। बात आती है क्यों, या क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई एसिटाइल कोलीन स्टेरेज नेवर यूज्ड क्लिनिकली, बिकॉज क्यों है ऐसा, बिकॉज जैसे ही हम एसिटाइल कोलीन स्टेरेज किसी भी रूट से देंगे, इसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट, विद इन मिली सेकेंड, यस विद इन मिली सेकेंड दिस एसिटाइल कोलीन स्टेरेज गेट मेटाबोलाइज बाय द इधर ब्यूटाइरिल कोलीन स्टेरेज और एसिटाइल कोलीन स्टेरेज। तो इन दोनों के द्वारा इतना जल्दी मेटाबॉलिज्म हो जाता है, इसलिए इनको हम कभी भी, इस एसिटाइल कोलीन को हम कभी बाहर से नहीं देते, ड्रग के फॉर्म में यूज नहीं करते, बिकॉज इट डिग्रेडेड लोकली। जिस रूट से आप लोगे वहीं पे ये मेटाबोलाइज हो जाएगी। ये हमारा यहाँ पे सबसे मेजर पॉइंट आया, बात आपको ये समझ में आ गई। हमने यही बोला कि एसिटाइल कोलीन स्टेरेज नॉट यूज्ड क्लिनिकली बिकॉज
इट इज मेटाबोलाइज्ड वेरी क्विकली बाय द कोलीन स्टेरेज इन प्लाज्मा एंड नॉट इफेक्टिवली यूज्ड। इवन अगर हम आईवी रूट से भी देंगे तो भी ये क्लिनिकली काम नहीं करेगी, ये तुरंत मेटाबोलाइज हो जाएगी। ठीक, ये बात अभी आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब बात आती है, जैसे देखो अब मेटाबॉलिज्म की बात क्या होगा, ये है एसिटाइल कोलीन स्टेरेज, सॉरी एसिटाइल कोलीन, यहां पे एंजाइम लग गया कोलीन स्टेरेज, इसने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, कोलीन और एसिटेट, कोलीन और एसिटेट दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, कोलीन हमारा रीअपटेक होगा, वो सब बात की बातें हैं। चलिए अब असली चीज अब शुरू होने वाली है। बात आती है कि सर ये एसिटिल कोलीन सिंथेसाइज्ड कैसे हुआ, और सिंथेसाइज्ड हुआ तो वो काम कैसे किया। सर अगर सर जीपैट अगर सेवन सेमेस्टर में दें तो स्कोर अप्लीकेबल होगा कि नहीं, या आफ्टर ग्रेजुएशन ही स्कोर अप्लीकेबल होता है। अंजलि, योर एलिजिबिलिटी फॉर द जीपैट इज देयर, फाइनल ईयर स्टूडेंट और वी कैन से द अपियरिंग स्टूडेंट और पास्ड आउट स्टूडेंट। तो जी हाँ, जब आप सेवन सेमेस्टर में एग्जाम दोगे डेफिनेटली वो अप्लीकेबल है, मान्य है, पूरी वैल्यू इसकी होती है। ठीक है, चलो अब हमने क्या बात किया कि हमारा जो यहाँ पे मेजर न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एसिटिल कोलीन है। क्या है? एसिटिल कोलीन हमारा यहाँ पे मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है। बात आती है कि इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, ये कैसे रिलीज होता है, ये कैसे एक्ट करता है और कैसे मेटाबोलाइज्ड होता है, ये सारी चीजें थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो चलिए आइए उनके बारे में बात करते हैं, वन बाय वन सारी चीजों को क्लियर आउट करेंगे। सुनिएगा मेरी बात, जो मैं दिखाना चाहूं केवल अभी उतना समझिएगा, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। तो हमने क्या बोला, देखो सपोज ये है मेरी कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, ये है मेरा क्या एसिटिल कोलीन एस्टेरेज नर्व एंडिंग है। अब हुआ क्या, ये है मेरी वेसिकल। अब इसमें देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या हुआ, मेरे बॉडी में क्या है कोलीन, ये मेरे बॉडी में है और ये बनता रहता है, क्या होता है कोलीन आया। नाउ दिस कोलीन गेट अटैच्ड, ये हमारा जुड़ जाएगा किसके साथ, ये हमारा जुड़ेगा किसके साथ, एसिटिल को ए, किसके साथ जुड़ गया, एसिटाइल को ए, समझिएगा एसिटाइल को ए और कोलीन, एसिटाइल को ए और कोलीन, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, लेकिन जुड़ने के लिए यहां पे एक एंजाइम चाहिए। कौन सा एंजाइम आया यहां पे, यहां पे एक एंजाइम आएगा जिसको हम बोलेंगे क्या, कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज, क्या बोलेंगे, कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज, इन शॉर्ट CHAT, क्या बोलेंगे, चार्ट बोलेंगे, CHAT बोलेंगे ये चीजें। ओके सर ठीक से नहीं दिख रहा, ठीक है आपकी बात जेन्युइन है, लीजिए मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। आई होप अभी आपको दिख रहा होगा, मैंने ये वेसिकल बोला, मैंने क्या बोला यहां पे, यहां पे आपका आया क्या कोलीन, और उसमें क्या जुड़ा, उसमें हमारा जुड़ा क्या एसिटाइल को ए जुड़ा, और एसिटाइल को ए जुड़ने के बाद यहां पे एक एंजाइम लगा जिसको मैंने नाम क्या दे दिया, कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ध्यान से देखिएगा, अब समझिएगा यहां पे क्या एंजाइम नाम दे दिया, कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम दे दिया, कोलीन और एसिटाइल को ए आपस में मिलके जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद क्या हुआ, अब मेरा यहां पे बन गया क्या एसिटाइल कोलीन। तो यहां पे ये क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसिटिल कोलीन। आप तुरंत आंसर दोगे, सर एंजाइम है कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज, जल्दी कंफर्म करिएगा, क्या है कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ये हमारा यहाँ पे एंजाइम हो गया, करेक्ट है बेटा, बहुत बढ़िया। अब हमारा कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज ने एसिटाइल कोलीन सिंथेसाइज्ड कर दिया। अब जो ये एसिटाइल कोलीन सिंथेसाइज्ड हुआ, ये आके वेसिकल में स्टोर हो गया, समझते जाइएगा चीजों को, ये आके वेसिकल में आके स्टोर हो गया। अब सपोज मेरी रेस्ट एंड डाइजेस्ट या कूल एंड काम वाली फिनोमेना ऑन हुआ, मीन्स Our body get stimuli of the digestion. Suppose मैंने खाना खाया, क्या खाया, खाना खाया, Now after taking the food my body get the stimuli, food मेरे लिए क्या हो गया, stimuli हो गया। Now in the presence of that enzyme, sorry, now in the presence of that food, what will happen here, acetylcholine will released,
ये एसिटिल कोलीन यहां से रिलीज हो जाएगा। बात आई सर रिलीज कैसे होगा, रिलीज कैसे होगा, तो लास्ट क्लास में हमने जब न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन पढ़ा था बच्चों, थोड़ा सा याद करिएगा, वहां पे हमने नाम दिया था कि ऑलवेज द रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर कैरिड आउट बाय द प्रोसेस नोन एज एक्सोसाइटोसिस। कंफर्म करिएगा अगर आपको याद आया हो, किसके वजह से होगा, एक्सोसाइटोसिस की वजह से होगा। और ये एक्सोसाइटोसिस किसकी वजह से होगा, आप बोलोगे सर कैल्शियम आयन की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा, कैल्शियम आयन की वजह से होगा। तो कैल्शियम आयन आएगा वो क्या कराएगा, एक्सोसाइटोसिस कराएगा, मतलब ये जो वेसिकल है इसको रप्चर करेगा, और रप्चर करने के बाद ये कंडीशन ऐसी बनेगी और यहां से एसिटाइल कोलीन हमारा बाहर आ जाएगा। तो मान लीजिए ये एसिटाइल कोलीन मेरा बाहर आ गया, बात याद आ गई, एसिटाइल कोलीन बाहर आ गया। Now this acetylcholine will further act through their receptor. और इसके receptor कौन से हैं? दो receptor होते हैं, एक हमारा nicotinic receptor होता है, दूसरा हमारा muscarinic receptor होता है। तो पहला हमारा हो गया कौन सा, nicotinic, और दूसरा हमारा हो गया कौन सा, muscarinic receptor। Now nicotinic muscarinic receptor पे काम करेगी, क्या करेगी वो बात की बातें, इन पे काम करेगी, and the extra concentration of acetylcholine will get metabolized, और ये metabolize होगी, metabolize किस में होगी, जिनसे ये बनी है उन्हीं में divide हो जाएगी, यानी choline बनेगा और साथ में क्या बनेगा, acetyl बनेगा, यानी acetyl CoA बोल दूं। तो क्या बना, choline और acetyl CoA बना, choline और acetyl CoA बना। अब ये जो choline है, ये choline यहां से ये यहां पहुंच जाएगा, रीअपटेक हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, रीअपटेक हो जाएगा। सो नाउ सर नियर अबाउट ऑल न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज बाय द एक्सोसाइटोसिस फ्रॉम स्टोर्ड वेसिकल्स। कृष्णा यस अप्रॉक्स ऑल, ओके बट नॉट एवरीवन, ओके थोड़े करेक्शन भी होंगे वो बात की बात है। यहां तक की बात समझ में आई, एसिटाइल कोलिन सिंथेसाइज हुआ, स्टोर्ड हुआ, एक्सोसाइटोसिस की वजह से रिलीज हुआ, आफ्टर रिलीजिंग इट एक्ट ऑन देयर न्यूरोट्रांस रिसेप्टर निकोटिनिक एंड मस्कारेनिक एंड इट मेटाबोलाइज बाय द एंजाइम। बात आई सर एंजाइम का नाम क्या है जिससे ये मेटाबोलाइज हो रहा है, अभी आपने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, कोलीन स्टेरेज, क्या नाम दिया था, कोलीन स्टेरेज नाम याद आ रहा है, यही कोलीन स्टेरेज क्या करेगा, इसको ब्रेक डाउन कर देगा, और ब्रेक डाउन करने के बाद कोलीन और एसिटाइल कोए में ब्रेक कर देगा। जो कोलीन होगा वो क्या होगा, रीअपटेक हो जाएगा, वापस से रीअपटेक हो जाएगा। सो यही रीअपटेक, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, नाउ दिस रीअपटेक इज नोन एज द रेट लिमिटिंग प्रोसेस। ये रीअपटेक क्या कहलाता है, रेट लिमिटिंग प्रोसेस कहलाता है। चलो बेटा बताओ यहां तक की मेरी बात आप तक समझ में आई, हां बेटा आकांक्षा। अब निकोटिनिक की बात करूंगा तो NN NM हो जाएगा, मस्कारेनिक की बात करूंगा M1 M2 M3 M4 M5 हो जाएगा। यहां तक की ये बात आप तक कंफर्म हुई कि नहीं, प्लीज कंफर्म एवरीवन, अगर ये बात समझ में आ गई तो आधी चीजें हमें वैसे ही क्लियर हो गई। रिसर्पिन डोपामिन को इनहिबिट करता है, हाँ रिसर्पिन यहां बिल्कुल नहीं आएगा। रेट लिमिटिंग स्टेप इसको हम क्या बोलते हैं, रीअपटेक। यहां पे रीअपटेक हमारा क्या है, रेट लिमिटिंग स्टेप है। पूछा जाता है व्हाट इज द रेट लिमिटिंग स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ एसिटिल कोलीन, आप बोलोगे रीअपटेक ऑफ कोलीन इज द रेट लिमिटिंग स्टेप इन दिस प्रोसेस। एसिटिल ग्रुप का क्या होगा, ये एसिटिल ग्रुप मेरे फर्दर क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा, ये एसिटिल ग्रुप एचएमपी पाथवे में चला जाएगा, ये एसिटिल ग्रुप से मेरा फर्दर कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होने लग जाएगी, वो सब बात की बातें हैं, ये मेरे लिए काम की चीज नहीं है। मेरे लिए काम की चीज जहां तक थी वो मेरे पास आ गया। चलिए अब आपको मैं थियरी थोड़ा सा जो यही समझाया इसी को पढ़ा देता हूं। एसिटिल कोलीन इज द प्रिंसिपल न्यूरो ट्रांसमीटर, एसिटिल कोलीन सिंथेसाइज इन द कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग, सिंथेसाइज करके दिखा दिया। दिस इज द क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड, अब क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड है तो यहां पे पॉइंट आया, हमने क्या बोला था कि ये तुरंत ही रैपिडली मेटाबोलाइज हो जाता है। सो थेरेपेटिक एप्लीकेशन, नो थेरेपेटिक एप्लीकेशन, इसी वजह से इसका थेरेपेटिक एप्लीकेशन नहीं है। ठीक, अब अगली कहानी अब आती है।
हमने क्या क्या प्रोसेस दिया था कि कैसे बना, कैसे रिलीज हुआ, कैसे काम किया, तो सिंथेसिस होके स्टोर्ड होके रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही कोई इंपल्स आया, मैंने एक इंपल्स यहां पे आपको दे दिया था, सपोज यू हैव टेकन द फूड, तो आपने जब डिनर किया, डिनर के बाद क्या हुआ, एसिटिल कोलीन रिलीज हो गया, एसिटिल कोलीन रिलीज हो गया, ट्रांसमीटर रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद उसने क्या किया, अपने पोस्ट जंक्शन पे जाके रिसेप्टर से काम किया, रिसेप्टर से काम करने के बाद फर्दर उसने एक्शन दिया और टर्मिनेट हो गया। बेटा हेमिकोलिनियम के बारे में बात करूंगा, वेस्मिकोल के बारे में बात करूंगा, बॉटुलिनियम के बारे में बात करूंगा, लेकिन आगे पहले यहां तक की बात करो। चलिए टर्सरी नहीं बेटा, आगे आओ। अब जो आपको समझाया था अब उसको थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं। मैंने अपनी डायग्राम तो दिखाया था, लेकिन अब दूसरा डायग्राम भी देख लो। क्या बोला कि हमारा एसिटाइल कोए माइटोकॉन्ड्रिया में बना, माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोए बना, ये एसिटाइल कोए कोलीन के साथ जुड़ के इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज इट फॉर्म द एसिटाइल कोलीन, दैट एसिटाइल कोलीन विल फर्दर स्टोर्ड इनटू द वेसिकल एंड व्हेन द स्टिमुलाई कम देन इट रिलीज आउट बाय द एक्सोसाइटोसिस। रिलीज होने के बाद इसने अपने निकोटिनिक एंड मस्कारिनिक रिसेप्टर पे काम किया। अब क्या बोला कि जब ये एसिटाइल कोलीन रिलीज हुआ, नाउ एसिटाइल कोलीन एस्टरेज ब्रेक डाउन इनटू द टू पार्ट्स कोलीन एंड एसिटेट, नाउ दिस कोलीन फर्दर रीअपटेक हियर, ये रीअपटेक इस कोलीन का होने लगा। नाउ दिस रीअपटेक इज कैरिड आउट, दिस इज द रेट लिमिटिंग, अपटेक ऑफ कोलीन इज द रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। और इसी अब कुछ ड्रग के देखो यहां तक की बात, सिंथेसिस स्टोरेज रिलीज आप तक समझ में आ गया। सर रेट लिमिटिंग स्टेप में क्या होता है, रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है बेटा, रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है कि जिस प्रोसेस में, जिस स्टेप हमारा उसको डिफाइन करता है या कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है, वही हमारा कहलाता है रेट लिमिटिंग स्टेप। मींस इफ सिंपली इफ वी कैन से इफ द रीअपटेक ऑफ कोलीन इज कैन नॉट बी देयर, रीअपटेक ऑफ कोलीन इज नॉट देयर, देन सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलीन कैन नॉट बी कैरिड आउट। मतलब अगर ये रीअपटेक नहीं हो रहा है तो इसकी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, दिस इज नोन एज द रेट लिमिटिंग स्टेप। क्लियर? चलिए सर एसिटाइल कोए को इनहिबिट करने के लिए, नहीं अमित उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब आगे बताऊं, अब कुछ हमारी ड्रग है, नाउ वी हैव सम ड्रग्स विच इनहिबिट वेदर सिंथेसिस, वेदर स्टोरेज और रिलीज और रीअपटेक ऑफ द एसिटाइल कोलीन। तो कौन कौन सी वो ड्रग है, तो एक एक करके सबके बारे में बात करूंगा, बस जितना बोलूं उतना आप मेरा पॉइंट लिख लीजिएगा। पहला, सबसे पहले हमने क्या बोला, रीअपटेक ऑफ कोलीन, रीअपटेक ऑफ कोलीन इज इनहिबिटेड बाय द हेमिकोलिनियम। रीअपटेक को इनहिबिट करने वाली ड्रग का नाम हो गया हेमिकोलिनियम। मतलब क्या हुआ, नाउ हेमिकोलिनियम एंड कोलीन सिमिलर नाम मिल रहा है कि नहीं, मींस वी हैव द कोलीन एंड वी हैव द हेमिकोलिनियम अराउंड, बोथ हैव द सिमिलर नेम, सो हियर इट मींस व्हेन द कोलीन इज रीअपटेकन देन एट दैट पोजीशन कोलीन रीअपटेक विल बी इनहिबिटेड एंड हेमिकोलिनियम विल बी गेट रीअपटेक। मतलब वहां पे कोलीन का रीअपटेक नहीं होगा, वहां पे कौन रीअपटेक हो जाएगा, वहां पे हेमिकोलिनियम रीअपटेक हो जाएगा। अब अगर हेमिकोलिनियम रीअपटेक हो गया तो क्या कोलीन का रीअपटेक होगा, नहीं होगा, तो इसीलिए हमने बोला हेमिकोलिनियम ब्लॉक द कोलीन अपटेक, ये इसके कोलीन के अपटेक को ब्लॉक कर देता है, और अगर कोलीन का अपटेक ब्लॉक हो गया तो सिंथेसिस ही नहीं होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये वेसिकल में जाके स्टोर हो रहा है, कहां पे, वेसिकल में स्टोर हो रहा है, वेसिकल में स्टोर हो रहा है, वी फॉर वेसिकल, सुनिएगा, वी फॉर वेसिकल एंड वी फॉर वेस्मिकॉल, वी फॉर वेसिकल, वी फॉर वेस्मिकॉल मींस वेस्मिकॉल इनहिबिट द अपटेक ऑफ एसिटाइल कोलीन इनटू द वेसिकल, वेसिकल में जाने से रोकेगा कौन, वेस्मिकॉल, कौन रोकेगा, वेस्मिकॉल, इसको वैस्कुलर अपटेक इसको बोलते हैं। बेटा देखो ये रीअपटेक था,
इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, वैस्कुलर अपटेक। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वैस्कुलर अपटेक ऑफ एसिटाइल कोलीन इज इनहिबिटेड बाय, आप तुरंत आंसर दोगे वैस्कुलर लगा है, वेसिकल है, मतलब वैस्मी कॉल हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं। चलो स्टोर हो गया, मान लिए स्टोर होने के बाद अब उसको रिलीज होना है। नाउ रिलीज होने को मैं अगर थोड़ा सा एक अगर आप लोगों के मैसेज करने वाली लैंग्वेज में बोलूं तो क्या बोल सकता हूं, बाहर आएगी। क्या होगी, बाहर आएगी, मींस एसिटाइल कोलीन फर्दर बाय द स्टिमुलाई टेकन आउट फ्रॉम द वेसिकल, वेसिकल से बाहर आएगी, एक्सोसाइटोसिस होगी। सो बाहर आना को इनहिबिट कौन करेगी, बॉटुलिनियम टॉक्सिन। बॉटुलिनियम टॉक्सिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलीन फ्रॉम नर्व एंडिंग। बाहर आ रही है तो बाहर आने को कौन रोकेगी, बॉटुलिनियम टॉक्सिन। सो बॉटुलिनियम टॉक्सिन ब्लॉक द रिलीज ऑफ एसिटिल कोलीन। बताइएगा मेरी ये पॉइंट कंफर्म हो गया कि नहीं आप लोगों को, बी फॉर बाहर, बी फॉर बॉटुलिनियम टॉक्सिन, वी फॉर वेसिकल, वी फॉर वैस्मिकॉल, रीअपटेक ऑफ कोलीन हेमिकोलिनियम। बताइए कितना टफ है, ये याद हो रहे हैं कि नहीं मेरे साथ, क्लास में ही आपको ये सारी चीजें याद होती जा रही होंगी, कंफर्म करते जाइएगा जहां दिक्कत हो। अब आया क्या, एसिटिल कोलीन रिलीज हो गया मान लीजिए। रिलीज होने के बाद वो अपने मस्कैरनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर पे काम कर रही है, काम कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन इसका मेटाबॉलिज्म होगा बाय द एसिटिल कोलीन स्टेरेज। नाउ दिस एसिटिल कोलीन स्टेरेज इज इनहिबिटेड बाय द एंटी कोलीन स्टेरेज। मेरी बात सुनिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब मैं कहीं वाइवा लेता हूं किसी बच्चे का, किसी बच्चे को मैं प्रैक्टिकल में पूछता हूं, बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटी कोलीन स्टेरेज। मैं बोलता हूं क्या, एंटी कोलीन स्टेरेज का काम क्या है, एसिटाइल कोलीन को डिक्रीज करेगी और इंक्रीज करेगी। बच्चे एंटी लगते ही आंसर देने लगते हैं, मीन सर एंटी कोलीन स्टेरेज विल इनहिबिट द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलीन। बट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दो वर्ड होते हैं यहां पे, मैं क्या वर्ड दे रहा हूं, एंटी कोलीन स्टेरेज। एंटी कोलीन स्टेरेज मतलब क्या है, कोलीन स्टेरेज के एंटी, कोलीन स्टेरेज जो हमारा एंजाइम था जो मेटाबॉलिज्म कर रहा था उसके एंटी काम करेगी, उसके अपोजिट काम करेगी। अब अगर आपने कोलीन स्टेरेज को इनहिबिट कर दिया, कोलीन स्टेरेज का काम क्या था बेटा, कोलीन स्टेरेज मेटाबोलाइज्ड एसिटाइल कोलीन, कोलीन स्टेरेज क्या कर रहा था, मेटाबोलाइज कर रहा था एसिटाइल कोलीन का। अब आपने अगर कोलीन स्टेरेज को इनहिबिट कर दिया तो एसिटाइल कोलीन का मेटाबोलिज्म नहीं होगा। सो ऑल एंटी कोलीन स्टेरेज, ये जीपैट 2017 का क्वेश्चन है बेटा, देख सकते हो, एंटी कोलीन स्टेरेज इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइल कोलीन। एंटी कोलीन स्टेरेज क्या करते हैं, एसिटाइल कोलीन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, कैसे, बाय इनहिबिटिंग देयर मेटाबॉलिज्म। मेरी बात पहुंची आपको, समझ में आया मेरी बात बेटा, आगे चले, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी और ये बहुत काम की चीज होती है। मैं आपको बेटा एक नहीं बार बार कंफर्म करूंगा, आप फार्माकोलॉजी की बुक में इसको पढ़ते रहो ना तो आधी से ज्यादा चीजें आपको ये नहीं क्लियर हो पाएंगी। ठीक, ACH का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा नरेन। चलिए आगे बात करते हैं, अब इस चीज को अभी थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, पहले यहां पे आओ। अब बात आती है कि हमारा जो एसिटिल कोलीन स्टेरेज के जो एंजाइम रिसेप्टर हैं, बंगरोटॉक्सिन, विष्णु बंगरोटॉक्सिन के बारे में बात करें, ये हमारा बॉटुलिनियम टॉक्सिन के लोकेशन पे ही काम कर जाएगा। ठीक है, उसके बारे में ज्यादा परेशान मत हो। चलिए आ जाइए, अब सुनिएगा, हमारा जो एसिटाइल कोलीन यानी कोलिनर्जिक सिस्टम में रिसेप्टर, कितने रिसेप्टर होते हैं, मैं अगर बात करूं दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर, मस्कैरनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं, एनएन और एनएम, एनएन और एनएम। यहां पे देखो, एनएन और एनएम का जो बड़ा एन है, इस एन का मतलब हुआ निकोटिन, एन का मतलब क्या हुआ, निकोटिनिक, और जो ये छोटा एन है, स्मॉल एन लिखा है, इसका मतलब है क्या, न्यूरॉन। कल हमने एक चीज पढ़ा था लास्ट क्लास में,
गैंगलिया पढ़ा था, बहुत बढ़िया सागर, बिल्कुल बात करेंगे, थोड़ा भी उसके बारे में रुकोगे। हमने क्या बोला, हमने क्या बोला कि जो हमारा ये NN रिसेप्टर है ये कहां प्रेजेंट होगा बेटा, गैंग्लिया में प्रेजेंट होगा। तो कल लास्ट क्लास में हमने गैंग्लिया समझा था कि गैंग्लिया होता क्या है, पहला पॉइंट हमने ये बोला। अब दूसरे बात करते हैं, जो हमारा ये मस्कैरनिक, ये N का मतलब निकोटिनिक और M का मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये कहां प्रेजेंट है बेटा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट है, NMJ में प्रेजेंट है। निकोटिनिक के जो भी रिसेप्टर होंगे, दीज आर द आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर। आपको अच्छे से पता होगा बेटा आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर क्या होता है, जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ के आए हो। आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर मेनली इट कैरिड आउट द फंक्शन बाय द सोडियम आयन। ध्यान दीजिएगा, हमारे जो निकोटिनिक में NN रिसेप्टर है या NM रिसेप्टर है, दोनों आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर होते हैं, दोनों सोडियम आयन के थ्रू काम करते हैं, और दोनों हमारे ये जो है NN प्रेजेंट है, गैंग्लिया में प्रेजेंट है, और NM हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट है। तो यहां तक की बात तो आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं मस्कैरेनिक रिसेप्टर। नाउ मस्कैरेनिक रिसेप्टर इज 5 टाइप, ध्यान से सुनिएगा। हां जी बिल्कुल सही बोल रहा हूं, ये 5 टाइप के होते हैं, M1, M2, M3, M4 एंड M5, ये 5 टाइप के होते हैं। बट M4 एंड M5 हैव द लिमिटेड अवेलेबिलिटी। जी हाँ, M4, M5 की लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, लिमिटेड फंक्शन है, इसीलिए M4, M5 की बात नहीं करेंगे। तो बचे हमारे पास 3, M1, M2, M3, 3 है। एंड ऑल दीज मस्कैरेनिक रिसेप्टर आर द मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर। बहुत बढ़िया बेटा, लोग मजा आ रहा है, आप लोग जो आंसर कर रहे हो, ये हमारे क्या है, मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर है एंड एक्टेड थ्रू द GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। क्या बोलेंगे इनको, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर बोलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो हमारे क्या हो गए, GPCR, बात समझिएगा। अब बात करते हैं जो हमारे M1, M2, M3, M4 एंड M5, ध्यान से सुनिएगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसके बारे में बात कर रहा हूं। इन पांचों मस्कैरेनिक रिसेप्टर में जितने ऑड नंबर के रिसेप्टर हैं, ऑड बोले तो M1, M3 एंड M5 ऑड हुए, ये तीनों ऑड वाले हमारे क्या होंगे, ये GQ प्रोटीन मीडिएटेड होंगे बेटा। GQ प्रोटीन मीडिएटेड मींस IP3 DAG पाथवे से काम करेंगे। थोड़ा रिकॉल करते जाइएगा, जनरल फार्माकोलॉजी काफी काम आने वाली है। GQ प्रोटीन मीडिएटेड है, IP3 DAG पाथवे से काम करेंगी। और जो हमारे इवन नंबर के हैं, इवन बोले तो इवन मतलब M2, M4, ये हमारे काम करेंगे किससे, GI प्रोटीन से काम करेंगे। किससे काम करेंगे, GI प्रोटीन से काम करेंगे, मींस वी कैन से इट इनहिबिट द CAMP। जी हाँ, CAMP कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे बच्चे, CAMP कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे। ये पॉइंट आप तक पहुंच चुका होगा मेरी बात। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जी हाँ ये इनहिबिटरी होने वाले हैं। ठीक है, ये तो हमने बात किया इनके नेचर ऑफ रिसेप्टर, रिसेप्टर कौन से मैकेनिज्म से काम कर रहे हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ M1, व्हाट इज द M3, M5, M1, M3, M5 दीज एक्टेड थ्रू द GQ प्रोटीन, M2, M4 एक्टेड थ्रू द GI प्रोटीन। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेयर इज द लोकेशन ऑफ द M1, M2, M3, कहां पे प्रेजेंट होते हैं M1, M2, M3। मेरे कुछ बच्चों ने बोला मेरा ट्रिक मुझे बहुत अच्छा लगा, तो हम इसके लिए क्या बोलते हैं, पहले खाओ फिर दिल लगाओ, बाकी काम बाद में करेंगे। मतलब भैया प्यार मोहब्बत हर चीज के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है, फूड, खाना। मींस इफ यू हैव द फुल स्टमक तब आपको प्यार मोहब्बत भी अच्छा लगेगा, पेट खाली है तो ना प्यार अच्छा लगेगा ना मोहब्बत अच्छी लगेगी। तो इसीलिए बोलते हैं क्या, पहले खाओ फिर दिल लगाओ, बाकी काम बाद में। ठीक, बट एक कंफ्यूजन पहले दूर करूंगा, मेरे काफी बच्चे यहां कंफ्यूज रहते हैं
कि सर पहले खाओ का मतलब आप बोल रहे हो कि सर स्टमक में M1 प्रेजेंट होता है, स्टमक GIT में है, क्या ये वाला पॉइंट सही है? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। यहां पॉइंट क्या है, M1 रिसेप्टर इज मेनली प्रेजेंट इनटू द गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक। ध्यान से सुनिएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक, यस इट्स करेक्ट, इट्स प्रेजेंट इनटू द गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द HCl प्रोडक्शन। किसके लिए? HCl प्रोडक्शन के लिए हमारा ये इंपॉर्टेंट है। पहला चीज ध्यान से सुनिएगा, एज वेल एज वी कैन से M1 इज ऑल्सो प्रेजेंट इन टू द ब्रेन। एग्जैक्टली, ब्रेन में भी ये हमारा प्रेजेंट है, एंड इन द ब्रेन द M1 रिसेप्टर फंक्शन इज द कॉग्निटिव फंक्शन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसके बारे में? कॉग्निटिव। कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है? लर्निंग एंड मेमोरी। आप लोग जो पढ़ रहे हो, आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है, इसका एक बहुत बड़ा रिलेशन किसके साथ में है? M1 के साथ में है। नहीं, इसको CNS थोड़ा बोलने से अच्छा है, ऑटोनॉमिक बोल दे ज्यादा अच्छा रहेगा, मेमोरी के लिए। जी हाँ, तो हमने क्या बोला, M1 रिसेप्टर इज प्रेजेंट इनटू द गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक। स्टमक मत बोलिए, क्या बोलिए? गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरा क्या बोला, इट प्रेजेंट इनटू द ब्रेन व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉग्निटिव फंक्शन, दैट इज द मेमोरी एंड लर्निंग बिहेवियर। बिल्कुल भी अच्छी नहीं है सर। अच्छा, मेमोरी नहीं अच्छी है, ओके मेमोरी नहीं अच्छी है, कोई बात नहीं बेटा, M1 बढ़ाएंगे, मेमोरी बढ़ाएंगे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। अब सुनिएगा, हमने क्या बात किया था, M1 इज मीडिएटेड थ्रू द GQ प्रोटीन। अभी बोला था ना, ऑड वाली GQ प्रोटीन से काम करेंगी, ऑड वाले जितने मस्कारेनिक रिसेप्टर हैं GQ प्रोटीन से काम करेगी। और GQ का मतलब क्या होता है? अरे यार, अब तो मैं पूरा जनरल फार्माकोलॉजी में चला जाऊंगा, चलिए सुन लीजिए फिर भी। नाउ अगर हम GQ की बात करते हैं, GQ में क्या होता है, IP3DAG पाथवे। IP3DAG की बात करेंगे, इट इंक्रीजेस द कैल्शियम आयन। नाउ वेयर द कैल्शियम आयन, देयर इज द कॉन्ट्रैक्शन। जहां पे भी कैल्शियम आयन, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन। इतना याद रखोगे सारे बच्चों? हां जी, अल्सर सॉरी HCl का प्रोडक्शन पैराइटल सेल से ही होता है, इतना याद रखिएगा। आगे की बात करता हूं। अब मैंने क्या बोला कि M1 क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। M1 क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सपोज वी हैव द पैराइटल सेल एंड पैराइटल सेल में हमारा M1 रिसेप्टर प्रेजेंट है। सुनिएगा, पैराइटल सेल्स में वी हैव द M1 रिसेप्टर। अब अगर M1 प्रेजेंट है और M1 एक्टिवेट हुआ तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। बोलिए जल्दी, कॉन्ट्रैक्शन होगा कि नहीं, प्लीज कंफर्म मी। यहां सब कौन से सेमेस्टर के स्टूडेंट लेक्चर करते हैं सर ये? मनीष, ये खुला दरबार है, आप भी आइए, ज्ञान पाइए, सिंपल ये चीज है। किस सेमेस्टर के कौन से बच्चे हैं जिनको अपना नॉलेज इंप्रूव करना है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर से हो, चलिए सेकंड से ले लेते हैं, चाहे सेकंड ईयर के हो, चाहे फोर्थ ईयर के लिए हो, मेरे लिए सारे बच्चे एक समान। चलिए, अब मैंने क्या बोला कि M1 प्रेजेंट है तो कॉन्ट्रैक्शन करेगा। जैसे ही पैराइटल सेल का कॉन्ट्रैक्शन करते हो, सपोज दिस इज द बलून, नाउ वी हैव कॉन्ट्रैक्टेड इट। क्या किया हमने, क्या बोला हमने, सपोज ऐसा समझिए, ये मेरा क्या है, सपोज पैराइटल सेल है। अब मैंने इसको कॉन्ट्रैक्शन किया, ये कॉन्ट्रैक्शन, सपोज ये मैंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन किया। अब बताइए, जो अंदर फिल है, सपोज अंदर जो भी मेरा फिल है, जब मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया तो अंदर वाला बाहर आ जाएगा कि नहीं, बताइए प्लीज, जल्दी बताइए। तो अंदर वाला बाहर आ जाएगा, यहां से दबा दिया तो जो अंदर है वो बाहर आ गया, यानी जो भी हमारा यहां HCl की ही बात हो रही है, तो HCl कहां पहुंच जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इसलिए M1 जो है वो HCl का प्रोडक्शन कराता है। कंफर्म करिएगा बात ठीक है कि नहीं,
संघमित्रा वाइस में क्या प्रॉब्लम है बेटा? सिक्रीशन इंक्रीजेस, बाहर आ जाएगा, वॉइस लो। अभी बेटा ठीक है, मेरी आवाज ठीक है? कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज बच्चों एक बार। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं M2। M2 प्रेजेंट इनटू द हार्ट। कहां प्रेजेंट है? हार्ट। हार्ट में पहले क्या बोला था? M2 एक्टेड थ्रू द GI प्रोटीन। सर योर कॉन्टेक्ट नंबर प्लीज। वॉइस ओके है, क्लियर है, ठीक, थैंक यू, थैंक यू। रोबोटिक साउंड, ये क्या होता है जी? चलो अब आगे सुनो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा मेरा नंबर कुछ बच्चे मांग रहे हैं। दिस इज माई नंबर 8737889272। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलो आ जाओ। अब बात करते हैं M2 रिसेप्टर की। बात करते हैं M2 रिसेप्टर किससे मीडिएटेड है बेटा? GI प्रोटीन से मीडिएटेड है। ओके, GI प्रोटीन हमने बोला क्या? इनहिबिटरी है। ये भी बोला इनहिबिटरी है, मतलब वो CMP घटाएगा। CMP घटाएगा, बिल्कुल घटाएगा। CMP घटाएगा तो इनहिबिटरी एक्शन प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? इनहिबिटरी एक्शन प्रोड्यूस करेगा। सो अगर हार्ट पे हमने बोला ये इनहिबिटरी एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हार्ट पे अगर हमारा M2 इनहिबिटरी एक्शन प्रोड्यूस करेगा तो हार्ट रेट क्या करेगा? डिक्रीज। लिख देता हूं बेटा, हार्ट रेट डिक्रीज, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज, कंडक्शन डिक्रीज। ये तीनों चीजें क्या हो गई बच्चों? डिक्रीज हो गई। तो अल्टीमेटली अगर इन तीनों चीजें डिक्रीज हुई तो क्या मैं इनको ब्रैडीकार्डिया बोल दूं बच्चों? बता दीजिएगा प्लीज, अगर मेरी बातें गलत हो तो बता भी दीजिएगा। बहुत बढ़िया, ओके, शहांता बोइना, यस, H2 रिसेप्टर इज आल्सो प्रेजेंट देयर। S2 receptor also present into the air, that is also responsible for the HCl secretion, but our motto is M1 receptor, okay? Sir, toppers के चाहिए, okay, आ जाओ। इसको हम क्या बोलते हैं? अगर जो भी heart rate decrease करेगा, उसको हम बोलेंगे क्या? Negative chronotropic। क्या बोलेंगे? Heart rate decrease, negative chronotropic। Force of contraction decrease, negative inotropic। उसको हम क्या बोलेंगे? Negative inotropic। एंड कंडक्शन डिक्रीज, उसको हम बोलेंगे निगेटिव ड्रोनोट्रॉपिक। तो यहाँ पे हमको तीनों चीजें डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमने निगेटिव लगा दिया। ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। गलत बता रहे हो, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। द कोचिंग क्लास FBD, बेटा अगर मैं गलत बता रहा हूं तो आप सही कर दीजिएगा, ठीक है? तो हमारा क्या हुआ? निगेटिव क्रोनोट्रॉपिक, निगेटिव आइनोट्रॉपिक एंड निगेटिव ड्रोनोट्रॉपिक, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ, ये चीज समझ में आ गई। अब अगले पे चलें, अब अगले पे चलें। M2 तक सबको क्लियर है बेटा? सर M3 एंड M4 भी तो होते हैं बेटा। M3 आ रहा हूं बेटा, अभी M3 आने वाला हूं, M3 अब आने वाला है। आइए M3 के बारे में बात करते हैं। हमने M3 के बारे में क्या बात किया? M3 रिसेप्टर इज प्रेजेंट इनटू द वेरियस लोकेशन। कहां पे? कई जगह पे। पहला चीज याद करिएगा, M3 भी किस प्रोटीन से मीडिएटेड है? GQ प्रोटीन, बस इतना याद रखो। M3 भी किस से मीडिएटेड है? GQ प्रोटीन। GQ प्रोटीन मीडिएटेड है, यानी ये भी क्या करेगा बच्चों? तुरंत याद करो, ये भी क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा। प्लीज कंफर्म करते जाइएगा। ठीक,
ओके संखदीप, ब्रेडिकार्डिया मैंने क्या बोला बेटा, ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट डिक्रीज, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन डिक्रीज एंड कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज, जब ये तीनों चीजें डिक्रीज हुई वही मेरी ब्रेडिकार्डिया हो गया। ठीक, अब आ जाओ, अब कैसे याद रखेंगे सुनिएगा, M3 रिसेप्टर इज मेनली प्रेजेंट इन टू द स्मूथ मसल्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितनी जगह हमारी स्मूथ मसल्स होंगी वहां पे मेरा M3 रिसेप्टर होगा, प्लीज कंफर्म करिएगा, कहां पे? चलिए अच्छा बेटा आप लोग बताओ, कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं ना, ये तो खैर मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है, लेकिन कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं कि अगर कहीं भी क्लास हो रही है, कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें आ ही जाते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मैं आप लोगों की बात से बिल्कुल सहमत हूं, जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाओ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ऐसे तो जीपैट क्वालिफाई नहीं होगा, मैं इन लोगों की बात से बिल्कुल सहमत हूं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये केवल और केवल आप जानते हो। चलो आ जाओ, ठीक है आगे बात करते हैं। अब मैंने क्या बोला, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, M3 receptor is present into the smooth muscles and M3 receptor is acted through the GQ protein, जहां GQ protein वहां calcium ion, जहां calcium वहां contraction, इतना याद कर चुके हैं अभी तक? ये चीज हमने समझ लिया है ना अभी तक, आगे बात करें हम, हमने बोला कि स्मूथ मसल्स में M3 रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा, बस इतना अभी मैंने याद किया है। हमने क्या बोला कि M3 रिसेप्टर हमारा स्मूथ मसल्स है और स्मूथ मसल्स क्या कराएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। क्या मतलब है सर इस बात का, आइए बात करते हैं। हमने बोला ब्रोंकाई, जरा जल्दी से बताइएगा बेटा, स्मूथ मसल्स मेरी कहां कहां प्रेजेंट हैं, प्लीज बताओ। जल्दी बोलो, एक तो आपने बोला ब्रोंकाई, बहुत बढ़िया बेटा, दूसरा आपने बोला GIT, वेरी गुड, नेक्स्ट आपने बोला ब्लड वेसल्स, बहुत बढ़िया, यूरिनरी ब्लैडर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया, आइए बात करते हैं। देखिए ब्रोंकाई स्मूथ मसल्स, GIT स्मूथ मसल्स, ब्लैडर स्मूथ मसल्स, बस अभी खाली मैंने ये तीन चीजें ली हैं, ठीक, ब्लड वेसल्स भी आगे लिखेंगे, लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा इसकी कंडीशन थोड़ा एक्सेप्शनल में आती है। ए मुर्गा बना के मारेंगे, किसने बोला आई में स्मूथ मसल्स है, कौन बोला जी आई में स्मूथ मसल्स है, मैंने आप लोगों से पूछा था स्मूथ मसल्स कहां प्रेजेंट है, मुझे बता डाले आई, बहुत बढ़िया, चलो सुनो मेरी बात, रुको बेटा, पहले जितना बोल रहा हूं पहले उतना सुनो, मैंने क्या बोला कि ब्रोंकाई, GIT और यूरिनरी ब्लैडर, इन तीनों में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है और तीनों में हमारा M3 रिसेप्टर है, बेटा M3 रिसेप्टर स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, तो अगर मैं यहां पे आपसे दूसरे एंगल से पूछूं कि बेटा एसिटिल कोलीन हमारे ब्रोंकाई में क्या करेगा, क्या करेगा, जल्दी बोलो, ब्रोंकाई में हमारा एसिटिल कोलीन क्या करेगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, जल्दी बोलो, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन आया कि नहीं आया सभी का, GIT में बात करें
तो जीआईटी में कॉन्ट्रैक्शन, और जीआईटी में कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा। बच्चों प्लीज कंफर्म करिएगा कि अगर हमारे जीआईटी में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इंक्रीज हुआ। यहां पे हमने बोला ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई में हमारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्रोंको कॉन्ट्रिक्शन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ। अब यूरिनरी ब्लैडर की बात करो, यूरिनरी ब्लैडर का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो बताइए मिक्चुरेशन या यूरिनेशन होगा या नहीं होगा प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया, यस सर, होगा होगा ना। तो इसलिए क्या बोलेंगे कि ब्लैडर पे काम करेगा तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, यानी मिक्चुरेशन होगा। और हमने अपने कहानी में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा सुनो, अब थोड़ा सा सुनो, कहानी की बात कर लो थोड़ा सा। होगा ठीक, सुनो अब मेरी बात, अब बताओ ग्लैंड्स में प्रेजेंट है M3, ग्लैंड्स में प्रेजेंट है M3, ग्लैंड्स में M3, ग्लैंड्स का कॉन्ट्रैक्शन, पैराइटल सेल जैसे कराए थे अभी, ग्लैंड का कॉन्ट्रैक्शन, ग्लैंड का कॉन्ट्रैक्शन, तो ग्लैंड से सिक्रीशन होगा कि नहीं? और यहां पे ग्लैंड जो बात कर रहे हैं वो कौन सी ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं? यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वो हमारी है सलाइवरी ग्लैंड, बताते जाइएगा सलाइवरी ग्लैंड। दूसरी मेरी कौन सी है यहाँ पे? पैंक्रियाटिक ग्लैंड। कौन सी है? पैंक्रियाटिक ग्लैंड। अब तीसरी मैं यहाँ पे बात करूं इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इन सबको ले लो इंटेस्टाइनल ग्लैंड, तो इन सब से क्या होगा? एक्सक्रीशन या सिक्रीशन, बताइए हुआ कि नहीं? जल्दी कंफर्म करिए, ठीक? तो एक्सक्रीशन हो गया, यही हमने बोला कि ग्लैंड से क्या होगा? सिक्रीशन होगा, सलाइवरी सिक्रीशन होगा, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन होगा, इंटेस्टाइनल सिक्रीशन होगा, ये सारे सिक्रीशन हो गए। और अगर ये सारे सिक्रीशन हुए तो क्या बेटा डाइजेशन होगा कि नहीं होगा? डाइजेशन होगा कि नहीं होगा? और हमने क्या बोला था कि जैसे ही हम फूड इनटेक करेंगे हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम या पैरासिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, और जैसे ही पैरासिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा वैसे ही क्या होगा? वैसे ही हमारा डाइजेशन शुरू हो जाएगा। जल्दी कंफर्म करिए डाइजेशन की बात आ गई कि नहीं? चलिए अब याद आए, थोड़ा सा फिर से ले लो यहां से। मैंने बोला था क्या कि हम जब सोने जाते हैं तो हमारा हार्ट रेट थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, क्यों डिक्रीज हुआ? M2 की वजह से हुआ। हम सोने जाते हैं तो हमारी सांसें थोड़ी सी हल्की हो जाती है, मींस आवर ब्रीदिंग रेट डिक्रीजेस, क्यों हुआ? ड्यू टू M3 रिसेप्टर कॉजेज द ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। हम जब सोने जाते हैं उससे पहले हम यूरिन करने जरूर जाते हैं, मींस बिफोर गेटिंग द गोइंग टू द बेड वी ऑलवेज कैरीड आउट गो फॉर द यूरिनेशन। व्हाई? बिकॉज इट एक्टिवेट द M3 रिसेप्टर इनटू द ब्लैडर, दैट कॉजेज द यूरिनेशन। हम जब खाना खाते हैं हमारे जीआईटी में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है जिससे हमारा फूड आगे बढ़ता है। देखते जाइए ग्लैंड, हम जब फूड इनटेक किए glands releases the various secretion for the digestion, it carried out the digestion। अब आगे बात करो, हम जब सोने जाते हैं बच्चों, चलो हम जब सोने जाते हैं हमारी आई में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? हमारी आई में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है या रिलैक्सेशन होता है? सर यूरिनेशन नहीं होगा, यूरिन रिटेंशन होगा। रोहित मैंने तो ऐसा नहीं बोला बेटा, हां जी बेटा विकास,
चलिए बेटा, यूरिनेशन होगा, विदाउट एनी डाउट यूरिनेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो यूरिनेशन होगा। ठीक, हाँ आई, आप जब सोने जाते हो तो आंखें थोड़ी सी बंद होने लग जाती हैं, मतलब आई में क्या होगा? मायोसिस होगा। प्लीज कंफर्म करिएगा, मायोसिस सबको समझ में आ गया? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। चलिए बताइए मेरे प्यारे बच्चों, किसी को ये रिसेप्टर का लोकेशन, मैकेनिज्म, फंक्शन रटने की जरूरत है क्या? प्लीज बताइएगा, किसी को भी रटने की जरूरत है क्या? और कौन कहता है कि फार्माकोलॉजी रटने से होती, याद होती है? देखो बेटा, सुनो, दो चीजें हैं, या तो मेरी बातें मानो। अगर आपको लगता है कि सर की बात नहीं मानना है तो बेटा आपके पास फार्माकोलॉजी की बुक होगी, आप फार्माकोलॉजी की बुक उठा के देख लीजिएगा। बेटा देखो, यहां पे आप कमेंट बॉक्स में डिस्कशन करके कि नहीं सर ये नहीं होगा, वो होगा, ऐसे नहीं वैसे होगा, सर अपनी लेवल पे जो हो सकता है सब चीजें सही पढ़ा रहे हैं, आपके मन में डाउट है तो आप बेटा एक बार बुक से चले जाना, गलत जहां हूं मुझे नेक्स्ट टाइम बता देना। ठीक, आगे बात करते हैं। अब जो हमने रिसेप्टर पढ़े इन्हीं को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, सारे रिसेप्टर को जल्दी वे में थोड़ा सा बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज है उनको मैं पॉइंट आउट कर दूंगा। मैंने आपसे क्या बोला कि हमारा जो निकोटिनिक रिसेप्टर है दो टाइप के हैं, एनएम और एनएन रिसेप्टर है। जो एनएम रिसेप्टर है वो कहां प्रेजेंट है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में है, और जो एनएन है वो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में है। दोनों का नेचर हमारा क्या है? आयनोट्रॉपिक है। आयनोट्रॉपिक ज्यादा डिटेल में पढ़ना है बेटा, एक बार जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ लीजिएगा, आपको आयनोट्रॉपिक या मैं बोलूं लिगेंड गेटेड आयन चैनल, ठीक है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा भाई। लिगेंड गेटेड आयन चैनल है तो कोई ना कोई आयन रिस्पॉन्सिबल होगा, और दोनों में आयन रिस्पॉन्सिबल क्या है? सोडियम आयन है। ये तो बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिया। ठीक, अब असली चीज आती है, अब असली चीज आती है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेलेक्टिव एगोनिस्ट, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट ऑफ द मस्कारेनिक रिसेप्टर। सर आप पढ़ाओ। ओके सर, इनको बोल सकते हैं ऑड M1 M3 कॉन्ट्रेक्शन एंड इवन M2 एंड M4 रिलैक्सेशन करता है। एकदम नरेन, बोल सकते हो बेटा आप। बेटा आगे बताऊंगा बेटा, ब्लड वेसल्स का डिफरेंस आगे बताऊंगा, थोड़ा भी देर पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस रखो। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है? सेलेक्टिव एगोनिस्ट, सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट। जो हमारा एनएम रिसेप्टर होता है, एनएम रिसेप्टर का सेलेक्टिव एगोनिस्ट होता है पीटीएमए। क्या होता है? पीटीएमए, फिनाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम एनएम रिसेप्टर का सेलेक्टिव एगोनिस्ट होता है, और एनएन रिसेप्टर का सेलेक्टिव एगोनिस्ट होता है डीएमपीपी। क्या होता है? डीएमपीपी, डाइमिथाइल फिनाइल पाइपराजिनियम। क्या होता है? डाइमिथाइल फिनाइल पाइपराजिनियम। एक एक क्वेश्चन है बेटा जो मैं इन वर्ड को बात कर रहा हूं। एनएन का सेलेक्टिव एगोनिस्ट क्या है, एनएम का सेलेक्टिव एगोनिस्ट क्या है, एनएम का एंटागोनिस्ट क्या है, एनएन का एंटागोनिस्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा, इन क्वेश्चंस को बहुत बार पूछा जा चुका है। हां जी बेटा, मायोसिस में डिक्रीज हो जाती है। चलो अब बात करते हैं एनएम रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट कौन है। एनएम रिसेप्टर हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट है, और जितने भी आगे चल के हम स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट में
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर पढ़ेंगे, ये सब हमारी कहां काम करेंगी, एनएम रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी। एग्जांपल की बात करूं, डी ट्यूबरकुलरिन, मिवाक्यूरियम, रोपाक्यूरोनियम, डॉक्साक्यूरियम, जितने भी हमारे क्यूरेयर क्लास की ड्रग हैं, वेदर शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट, लॉन्ग एक्टिंग, ये सब हमारे एनएम रिसेप्टर के सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट होंगे। अगला पॉइंट आता है एनएन का सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट क्या होगा। बस दो ड्रग हैं, इनको एज सच याद कर लीजिएगा, इनके बारे में काफी इंपॉर्टेंट आगे चल के आती हैं बातें, हेक्सामेथोनियम, ट्राइमिथोफैन एंड मिकामाइलामिन। हेक्सामेथोनियम, ट्राइमिथोफैन एंड मिकामाइलामिन, ठीक। चलो एक बार फिर से मेरे साथ बोलो, मैंने क्या बोला, एनएम रिसेप्टर का सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट, NM रिसेप्टर का सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट, PTMA, NN रिसेप्टर का एगोनिस्ट, NN रिसेप्टर का सेलेक्टिव एगोनिस्ट हमारा DMPP, ठीक है। दोनों चीजें हमने पहले याद कर लिया, करो। चलिए आ जाइए, जल्दी से रिकॉल कराते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी क्या बात किया, M1 का हमने लोकेशन देख लिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, लर्निंग मेमोरी, ये सारी चीजें बात किया। M2 रिसेप्टर की बात किया, M2 रिसेप्टर हमारा कहां प्रेजेंट है, SA नोड में, AV नोड में, मतलब यहां पे सब जगह डिक्रीज करेगा, सब जगह ये क्या कर रहा है, डिक्रीज करेगा। M3 रिसेप्टर हमारा सब जगह लोकेशन कैसे क्या काम करेगा, वो सब हमने पहले बात कर लिया। असली चीज अब आती है, अब हम बात करने वाले हैं M1 रिसेप्टर GQ प्रोटीन मीडिएटेड है, M2 GI प्रोटीन मीडिएटेड है, M3 GQ प्रोटीन मीडिएटेड है। तो IP3DAG पाथवे, ऑड वाले और इवन वाले, डिक्रीज CMP काम करेंगे। ये तो बेसिक चीजें थी, इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना था, सब समझा चुका हूं। असली चीज अब आपको यहां पे भी पढ़ना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेलेक्टिव एगोनिस्ट। अरे बेटा ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें मेरे हार्ट में ही प्रेजेंट है प्यारे बच्चों, SA नोड, AV नोड, वेंट्रिकल्स, ये सब मेरे हार्ट का ही है, ठीक। तो उसके लिए परेशान मत हो, सर अभी से जीपैड 2022 की प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो पॉसिबल है जीपैड क्रैक होना, बिल्कुल पॉसिबल है, बस डिपेंड करेगा कि आपका जुनून, आपका लगन, आपकी मेहनत कितनी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं M1 रिसेप्टर, देखो सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, ऑक्सोट्रिमोरिन, M1 मोरिन, जो मैं बोलूं उतना बोलो मेरे साथ, M1 मोरिन, ऑक्सोट्रिमोरिन, ठीक। M2 की बात करेंगे, मेथाकोलीन, क्या बात करेंगे, M2 मेथाकोलीन, सुनिएगा, हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट की जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, मायोकार्डियम, क्या बोलते हैं बेटा, हार्ट की लेयर को क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, याद आ रहा है, मेन हमारा क्या होता है, मायोकार्डियम होता है। मायोकार्डियम पे जो एगोनिस्ट के रूप में काम करती है उस ड्रग का क्या नाम है, मेथाकोलीन, क्या नाम है उसका, मेथाकोलीन नाम है। तो M1 में हुआ ऑक्सोट्रिमोरिन एगोनिस्ट, M2 की एगोनिस्ट क्या हुई, M2 हार्ट यानी कार्डियम, यानी उसकी हमारी लेयर मायोकार्डियम, और उसमें हमारा क्या प्रेजेंट है, उसमें हमारा मेथाकोलीन एक्ट करेगा। नाउ M3 बेटा कहां प्रेजेंट है, ब्लैडर और ब्रोंकाई में प्रेजेंट है, याद आया कि नहीं, M3 कहां प्रेजेंट है, ब्लैडर और ब्रोंकाई में प्रेजेंट है। तो ब्लैडर और ब्रोंकाई में काम करने वाली मेरी ड्रग हो गई कौन सी, एगोनिस्ट के रूप में, बेथनीकोल, क्या हो गई, बेथनीकोल, थोड़ा याद करिएगा फिर से, M1 मोरिन, M2 मेथाकोलीन, M3 ब्रोंकाई यानी बेथनीकोल। कितना टफ है याद करना, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको ज्यादा याद आया होगा। क्या है बेटा आपका क्वेश्चन रिया, हाय सर, बिल्कुल रिया क्वेश्चन तो है ही नहीं बेटा आपका, यहां तक की बात हो गई, आगे चलूं, आगे बात करते हैं। अब हमने बोला एंटागोनिस्ट, आपसे क्वेश्चन यही एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में पूछा जाता है। तो M1 का एंटागोनिस्ट क्या हुआ प्यारे बच्चों, M1 का एंटागोनिस्ट हुआ पाइरेंजेपीन, टेलेंजेपीन, एक पॉइंट याद करिएगा,
पायरेंजेपीन, टेलेंजेपीन, जब आपको जलन होती है, सुनिएगा मेरी बात, मैं जो बोलूं उसको सुनते जाइएगा, उसी से कम हो जाएगा। जब आपको जलन होती है, जलन समझते हो एसिडिटी, जैसे होते ना थर्ड एसिडिटी होती है, तब क्या बोलते हैं, सीने में जलन हो रही है, तो जब आपको जलन होती है, जलन होती है तो क्या करते हैं आप वहां पे HCl के सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, HCl के सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, और HCl का सिक्रीशन कौन करा रहा था, M1 करा रहा था, तो M1 का एंटागोनिस्ट लेंगे, M1 का एंटागोनिस्ट क्या हुआ, जलन को कम करने वाला, यानी पायरेंजेपीन एंड टेलेंजेपीन। सर थैंक यू जेडीसी फैमिली, ड्यू टू यू जेडीसी टीम आई एम नाउ स्टूडेंट ऑफ नाइपर एंड इन माय फेवरेट सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी। राज गिनीवाला, कांग्रेचुलेशन बेटा, डेफिनेटली, और हमारा उम्मीद यही होता है कि हमारे बच्चे हर उस मुकाम को पाए जहां पे उनकी जाने की इच्छा होती है। तो हमने क्या बोला, M1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट क्या हो गया बेटा, जेपीन हो गया। ठीक, आइए बात करते हैं, नेक्स्ट आया क्या, M2 एंटागोनिस्ट, सेलेक्टिव M2 एंटागोनिस्ट, सेलेक्टिव M2 एंटागोनिस्ट, मेथॉक्ट्रामिन ट्राइपिट्रामिन। जब आप कल क्यों नहीं, अरे बेटा सर आपका कॉल आ रहा है, नहीं बेटा मेरा कॉल नहीं आ रहा है, चलिए आगे आ जाओ। ठीक, हमने क्या बोला, मेथॉक्ट्रामिन ट्राइपिट्रामिन मेरी ये हार्ट अटैक में काम आएंगी या क्या करेंगे, हमारे टैकीकार्डिया कॉज करेंगी, मेथॉक्ट्रामिन ट्राइपिट्रामिन आगे बात करेंगे। और बेथनिकॉल ने यूरिनरी ब्लैडर को क्या किया था बेटा, उस पर काम किया था, और सेलिफेनासिन एंड डेरिफेनासिन, सोलिफेनासिन एंड डेरिफेनासिन एंटागोनिस्ट काम करेंगी हमारे यूरिनरी ब्लैडर को, बस इतना ही काम की चीज थी, इससे आगे इस पे मत जाओ। कंफर्म करिएगा बेटा मेरी ये बातें समझ में आई, एट्रोपिन बेटा एंटागोनिस्ट है, नॉन सेलेक्टिव, प्लीज सुनिएगा, एट्रोपिन नॉन सेलेक्टिव है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, सेलेक्टिव M1 ब्लॉकर, सेलेक्टिव M1 ब्लॉकर, M2 ब्लॉकर, सेलेक्टिव M3 ब्लॉकर, सर ओमेप्राजोल भी सबसे ज्यादा यूज होता है बेटा, मैं आपको वहां पे नहीं लेके जा रहा हूं, अल्सर में नहीं लेके जा रहा हूं, मैं आपको समझाने वाली बात कर रहा था। चलिए चलिए आ जाइए बेटा, अब बात करते हैं इंडिविजुअल। सर क्या चीज का आवाज आ रहा है अभी, ठीक है बेटा आवाज, और अगर इससे ज्यादा आवाज आ रही होगी तो वो इन्वर्टर की आवाज आ रही होगी बेटा, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आ जाइए, ओके अभी सही हो गया होगा। जल्दी सब एक बार फार्माकोलॉजी इनकी सबकी क्लियर कर ले, शेख अल्ताफ इनको बेटा हम CVS सिस्टम में पढ़ेंगे आइनोट्रॉपिक क्रोनोट्रॉपिक के बारे में। चलिए बेटा पढ़ाई करें, आगे पढ़ना है या मैं ब्रेक करूं बेटा, सर सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव क्या है, सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे सपोज मैं अगर सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाऊं तो मैं सेलेक्टिव टीचिंग करा रहा हूं, लेकिन अगर मैं सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो वो नॉन सेलेक्टिव टीचिंग कह रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे वही पॉइंट है कि अगर हमने M1 ब्लॉकर बोला तो वो केवल M1 को ब्लॉक करेगी, M2 ब्लॉकर बोला तो वो M2 को ब्लॉक करेगी, M3 को बोला तो M3 को करेगी, और अगर नहीं बोला कि नॉन सेलेक्टिव तो वो सबको करेगी। Ha ha.
चलो आ जाओ फार्माकोलॉजिकल एक्शन जल्दी थोड़ा क्लियर करते हैं। जितनी कहानी बताई है उन्हीं को थोड़ा एक बार रिवाइज करना है। हमने बोला मस्कारेनिक रिसेप्टर एक्शन देख रहे हैं हम, अब पहले मस्कारेनिक देख रहे हैं फिर हम निकोटिनिक देखेंगे। तो पहले जल्दी से मस्कारेनिक की बात करते हैं। मस्कारेनिक पे हमने बोला कि हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमारा हार्ट आया और हार्ट पे हमने बोला कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है। आप लोगों ने तुरंत बोल दिया कि सर हार्ट पे M2 रिसेप्टर है, M2 रिसेप्टर प्रेजेंट है और वो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा तो SA नोड AV नोड को क्या करेगा, उनकी एक्टिविटी को रिड्यूस करेगा, यानी हार्ट रेट डिक्रीज, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन डिक्रीज एंड AV कंडक्शन डिक्रीज। हार्ट रेट डिक्रीज यानी निगेटिव क्रोनोट्रॉपिक, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन डिक्रीज निगेटिव आइनोट्रॉपिक, AV कंडक्शन डिक्रीज यानी निगेटिव ड्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। और अल्टीमेटली इन्हीं सारे इफेक्ट को मिला के मैंने बोटा बोल दिया क्या, ब्रैडीकार्डिया बोल दिया। चलेंगे आगे, समझ में आ गई होगी बात। चलिए ओके, बस इतना ही था कि जब एसिटाइल कोलिन हार्ट पे काम करेगा तो ये सारे एक्शन मिलेंगे। अब जिसने बोला कि सर ब्लड वेसल्स वाला क्या है, सुनिएगा मेरी बात, कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं। अब दो चीजें होती हैं हमारी ब्लड वेसल्स, दो टाइप की होती हैं, एक कहलाती है लार्ज ब्लड वेसल्स, दूसरी कहलाती है बच्चों स्मॉल ब्लड वेसल्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, लार्ज ब्लड वेसल्स हैव थ्री लेयर, क्या होता है बेटा, तीन लेयर होती हैं। कौन कौन सी, पहली हमारी क्या होती है, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मेसोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, तीन लेयर इसमें प्रेजेंट होती है जिसको हम इपिथीलियल मतलब ऊपर की कवरी, नेक्स्ट हमारी मायोथीलियम एंड थर्ड हमारी एंडोमेट्रियम बोलते चलेंगे। ठीक, जैसे पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम होता है ना, वैसे ही पेरिथीलियम या पेरीमेट्रियम बोलते हैं, मेसोमेट्रियम बोलते हैं, मायोमेट्रियम बोलते हैं और थर्ड हमारी क्या होती है, इंडोमेट्रियम बोलते हैं। जबकि स्मॉल ब्लड वेसल्स में केवल और केवल हमारी क्या प्रेजेंट होती है बेटा, इंडोमेट्रियम लेयर प्रेजेंट होती है। स्मॉल ब्लड वेसल्स की बात कर रहा हूं मतलब मैं कैपिलरी की बात कर रहा हूं, और अगर लार्ज ब्लड वेसल्स की बात कर रहा हूं तो आर्टरी एंड वेन्स की बात कर रहा हूं। प्लीज इतना कंफर्म करिएगा, अगर हमने स्मॉल ब्लड वेसल्स बोला तो कैपिलरी की बात किया, लार्ज ब्लड वेसल्स बोला तो हमने वहां पे दो चीजों को बोला, आर्टरी और वेन्स की बात हो रही है। अब इसी में मेजर डिफरेंस यहीं पे आ रहा है, बिल्कुल बेटा वंशिका बहुत बढ़िया। चलिए अब अंतर कहां पे है, अंतर हमने बोला कि अब हमारा एसिटिल कोलीन हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगा कौन सा, M3 रिसेप्टर। क्यों भाई, क्योंकि ब्लड वेसल्स इज आल्सो स्मूथ मसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है, स्मूथ मसल्स हैं। अब स्मूथ वेसल्स हैं, स्मूथ मसल्स है तो वहां पे हमारा M3 रिसेप्टर ही प्रेजेंट होगा, M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। सुनिएगा मेरी बात, मैंने क्या बोला कि अगर हमारा स्मूथ मसल्स है और स्मूथ मसल्स में हमने बोला सर M3 यानी GQ यानी कॉन्ट्रैक्शन, बात आपकी एकदम परफेक्ट है। मैंने यहां पे ब्लड वेसल्स लिख दूं कि ब्लड वेसल्स में M3 में GQ में कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ब्लड वेसल्स में क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन। सुनिएगा सब समझ में आ जाएगा, जितना बोलू उतना समझते जाइएगा जो जो पॉइंट दे रहा हूं। तो पहला पॉइंट क्या दिया कि हमारा जो स्मूथ मसल्स यानी ब्लड वेसल्स में M3 रिसेप्टर प्रेजेंट है वो GQ प्रोटीन के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, पहला पॉइंट। ठीक, ये किसकी बात हो रही है, यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं मैं लार्ज ब्लड वेसल्स की बात कर रहा हूं। किसकी बात हो रही है, लार्ज ब्लड वेसल्स। पॉइंट सुनिएगा, एसिटाइल कोलीन इनटू द लार्ज ब्लड वेसल्स कॉजेज द वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इनटू द लार्ज ब्लड वेसल्स, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, हमने बोला कि जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं दिस ओनली हैव द इंडोथीलियल लेयर,
क्या है इसमें, केवल इंडोथेलियल लेयर होती है, कैपिलरी की बात हो रही है। नाउ इफ एनी ब्लड वेसल्स हैव द ओनली इंडोथेलियल लेयर देन एट दैट केस ऑलवेज, जहां भी इंडोथेलियल आएगा बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहीं भी इंडोथेलियल आएगा वहां पे हमारा ऑलवेज फैक्टर रिलीज होगा जिसको हम बोलेंगे EDRF। क्या बोलेंगे बेटा? EDRF, इंडोथेलियल डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर, इंडोथेलियल डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर। और ये क्यों होगा? यहां पे अब हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा। क्या होगा बेटा? नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, EDRF एक्टिव होगा, EDRF एक्टिव होगा बेटा तो हमेशा वैसोडाइलेशन, क्योंकि रिलैक्सिंग फैक्टर है, रिलैक्सिंग फैक्टर होगा तो डायलेशन कॉज करेगा, और डायलेशन कॉज करेगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा बच्चों? डिक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। बताइए मेरी बात समझ में आ गई होगी। एसिटाइलकोलीन हैज सेम एक्शन लाइक द सेरोटोनिन ऑन ब्लड वेसल्स, करेक्ट। एनो, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजेस कॉजेज द वैसोडाइलेशन, ठीक। यही पॉइंट अलग अलग होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब हम बोलते हैं कि हमारी ड्रग या तो ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कर रही है कि रिलैक्सेशन कर रही है, ठीक। आ जाओ आगे बात करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यूनिवर्सल, हाँ इसके बारे में बात करेंगे आगे। चलिए तो ये वाला पॉइंट हो गया ब्लड वेसल्स, अब आगे आ जाओ। अब हमने बोला कि एसिटिलकोलीन व्हेन एक्ट ऑन द जीआईटी, कहां पे? जीआईटी में काम कर रही है, तो जीआईटी में कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो गट का टोन क्या होगा भाई? कॉन्ट्रैक्शन तो टोन क्या होगा? बढ़ जाएगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जाएगा, और सिक्रीशन सारे क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। अब अगर सारी चीजें बढ़ गई, सिक्रीशन सारी चीजें बढ़ गई, तो हम क्या बोलेंगे? अल्टीमेटली चांसेस हैं कि लूज मोशन हो सकता है कि नहीं, मतलब अगर एसिटिलकोलीन ज्यादा हुआ तो लूज मोशन, या मैं बोलूं तो डायरिया हो सकता है कि नहीं? बताइए बेचा, डायरिया का एडवर्स इफेक्ट यहां पे मिल सकता है कि नहीं? इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिलकोलीन, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिलकोलीन कैन कॉज द डायरिया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक। ये हमारा दूसरा ऑर्गन था। चलिए नेक्स्ट ऑर्गन जल्दी से ले लो, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या बोला बेटा? अब सुनिएगा, यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ी सी कहानी बदलती है। लेक्चर कितने बजे तक चलेगी संपत? जब तक आप पढ़ोगे, जब तक आप पढ़ोगे। चलिए यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं बेटा। तो यूरिनरी ब्लैडर में हमारी दो टाइप की मसल्स होती हैं। पहली मसल्स जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोन मसल्स, और दूसरी मसल्स जिसको हम बोलते हैं क्या? स्फिंक्टर मसल्स। सर टोन मींस, टोन मतलब मसल्स का, वो आवाज वाली टोन की बात नहीं है, यहाँ टोन का मतलब है जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है, खिंचाव है, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमारी दो मसल्स हैं, पहली हमारी क्या है? डेट्रूजर मसल्स, और दूसरी हमारी क्या होती है? ट्राइगोन एंड इंस्फिंक्टर मसल्स। डेट्रूजर मसल्स, ट्राइगोन एंड इंस्फिंक्टर मसल्स, जो यहाँ लोअर पोजीशन पे प्रेजेंट होती है इसको बोलते हैं ट्राइगोन एंड इंस्फिंक्टर, यहाँ ट्राइगोन यहाँ इंस्फिंक्टर। और हमारी जो डेट्रूजर मसल्स होती है वो इस अबव पोर्शन पे हमारी डेट्रूजर मसल्स प्रेजेंट होती है। हमारा जो M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ये M3 रिसेप्टर हमारा कहां प्रेजेंट होता है बेटा? ये M3 रिसेप्टर हमारा प्रेजेंट होता है M3 डेट्रूजर में भी और ट्राइगोन में भी, बट दोनों जगह अलग अलग काम करता है। क्या करता है सुनिएगा, डेट्रूजर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करता है और ट्राइगोनल मसल्स में रिलैक्सेशन होता है। इसका मतलब सर क्या? अब अगर आपने इसको सुनिए, इस वाले पोर्शन को कॉन्ट्रैक्ट किया, ऊपर वाले पोर्शन को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और नीचे वाले को आपने रिलैक्स कर दिया, ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन, नीचे से रिलैक्सेशन, बताइए सारा जो कंसंट्रेशन है, जो कंसंट्रेशन है वो आउट हो जाएगा कि नहीं?
और अगर आउट हो जाएगा तो क्या मैं बोल दूं बेटा यूरिनेशन हो जाएगा? प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा बच्चों, यूरिनेशन हो गया कि नहीं, बोलिए जल्दी। इलास्टिसिटी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, बलून के टाइम ऊपर से बलून को कॉन्ट्रैक्ट किया और माउथ पीस ओपन कर दिया, सारा फ्लूड बाहर आ गया, यूरिन आउट। बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, कॉजेज यूरिनेशन। जिनका थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था कि नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, उनको ये आंसर मिल गया होगा। आगे बात करते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में भी प्रेजेंट है M3, और M3 प्रेजेंट है तो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, यानी ब्रोंकियल कॉन्ट्रैक्शन होगा मेरे बच्चों का। ब्रोंकियल कॉन्ट्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आया? नेक्स्ट हमारा आता है M3, एक पहले और ले लेंगे फिर M1 लेंगे। तो ऊपर मत देख के पहले यहां देखना, ये आई, आई पे भी M3 रिसेप्टर, और आई पे ये कहां काम करेगी? सर्कुलर मसल्स ऑफ आई पे काम करेगी। कहां पे काम करेगी? सर्कुलर मसल्स ऑफ आई पे काम करेगी, और सर्कुलर मसल्स ऑफ आई पे काम करेगी हां जी, सर्कुलर मसल्स ऑफ आई पे काम करेगी तो क्या करेगी? मायोसिस करेगी। ये मायोसिस कौन सी होगी बच्चों? ये हमारी एक्टिव मायोसिस होगी। ये एक्टिव और पैसिव की कहानी आगे कभी बात करेंगे, अभी खाली इतना समझ लो। ये कौन सी मायोसिस होगी? एक्टिव मायोसिस होगी। तो हमने क्या बोला? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पिपलरी कॉन्स्ट्रिक्टरी मसल्स। जो पिपलरी कॉन्स्ट्रिक्टरी मसल्स होती है, जिसको हम सर्कुलर मसल्स बोलते हैं, इसके कॉन्ट्रैक्शन से हमारा क्या होता है? इसके कॉन्ट्रैक्शन से हमारा मायोसिस होता है। बस अभी इतना देखो, इस पॉइंट को अभी मत देखिएगा, ये बात की बातें होंगी कभी एड्रेनर्जिक इफेक्ट में। नेक्स्ट आ जाओ, हमने क्या बोला? M1 रिसेप्टर की बात। M1 रिसेप्टर अगर हम बात करते हैं तो पहला चीज हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। कहां पे बात करते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में HCL का सिक्रेशन ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, इसमें कोई डाउट हमको नहीं है। हो सकता है सर डायरिया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, मेल सेक्स ऑर्गन। आपने क्या कराया है बेटा? मेल सेक्स ऑर्गन यानी पेनाइल रीजन पे हमारी क्या प्रेजेंट होती है? कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। पेनाइल रीजन पे, पेनिस रीजन पे क्या होती है? कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। और जहां कैपिलरीज प्रेजेंट होती है वहां अभी हमने क्या बात किया है बेटा, क्या होगा? वैसोडाइलेशन होगा। क्या होगा बेटा? वैसोडाइलेशन होगा। वहां पे ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी। जब वहां पे ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो वहां पे क्या होगा? वहां पे क्या होगा? हमारा फिलिंग होगा ब्लड का। ब्लड फिलिंग होगा तो उसकी वजह से पेनिस का इरेक्शन होगा। पेनिस का इरेक्शन होगा, इसीलिए बोलते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्शन ऑफ द पेनिस। बात समझ में आ गई मेरी आप सभी को? सर, रेडियल मसल्स इन आई पर क्या इफेक्ट होगा? बेटा रूपम, इस ड्रग का रेडियल मसल्स ऑफ आई पे एसिटाइल कोलीन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक। तो ये पॉइंट आपका आ गया कि हमारा यहाँ पे क्या है, इरेक्टाइल इरेक्शन, पेनाइल इरेक्शन को इंप्रूव करता है। निकोटिनिक एक्शन, ये तो पहले ही बात कर लिया, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया NM रिसेप्टर और NM रिसेप्टर हमारा NM रिसेप्टर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इनके बारे में तो यहाँ पे बात करने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं। चलिए बच्चों जल्दी मुझे अब बताइएगा, ये रिसेप्टर, इनकी मैकेनिज्म, ये चीजें सभी आपको क्लियर हुई कि नहीं? कहाँ प्रेजेंट हैं, क्या काम करती हैं, ये सारी चीजें आप तक मेरी बातें पहुंची या नहीं? क्या डाउट है, कोई कोई कंफ्यूजन है तो वो बताइए। नहीं बेटा रजनी, यहाँ एक्टिव का मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है। एके साइन, सिल्डेनाफिल, टेडालाफिल, वो अलग चीजें होती हैं, उनके बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे। अवनीश बेटा, ऑटोनॉमिक ज्यादा समझना है तो मेरे इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी।
चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर दिस लवली सपोर्ट एंड योर रिस्पॉन्स। सर जी प्लीज लॉन्च योर जीडीसी इन साउथ इंडिया, टीचिंग ओनली इन इंग्लिश, फार्मा एमसीक्यू। एक्चुअली थैंक यू, बट एक्चुअली ऑफलाइन क्लासेस इन ऑल ओवर इंडिया जीडीसी ब्रांचेस इज नॉट इज देयर ड्यू टू दिस कोविड इरा, ड्यू टू दिस कंफ्यूजन, मींस दिस सर्कमस्टेंसेस, ऑफलाइन क्लासेस फुल्ली क्लोज्ड। चलिए तो ठीक है बेटा, आज की क्लास फिर यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल। ओके, और नेक्स्ट क्लास में, कल नहीं बोलूंगा, नेक्स्ट क्लास बोलूंगा, और नेक्स्ट क्लास में हम इन सारी चीजों को क्लियर करते हैं अगली चीजों के बारे में। सर जीडीसी प्राइम में होगा ये क्या? हाँ बेटा, हो गया क्या सात्विक जिल? बिल्कुल बेटा, सर ऐसे ही आप सुटिक्स भी पढ़ाओ बेटा, मैंने प्रॉमिस किया है बेटा, अगर इस वीक आप लोग मेंटेन रहे तो नेक्स्ट वीक में फार्मास्यूटिक्स लाने के प्लान में हूं, देखते हैं आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, अर्पण कोहली मैं क्या बताऊं बेटा कि अभी क्या पढ़ाऊंगा एएनएस के बाद, पहले एएनएस हो जाए फिर बात करेंगे। वी गॉट अ ग्रेट बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन मेथड, थैंक यू अवनीश। मैं 4 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूं, मैं आपके सभी वीडियो देखा हूं, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर टुडे, नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे, तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडीइंग, इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी क्लियर दैट डाउट इन द नेक्स्ट क्लास, डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी प्लेजर फॉर मी टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। ओके, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू बेटा, नहीं मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझता हूँ, बहुत सारे बच्चे, बिल्कुल बेटा मैं भी आप सभी से मिलना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से रिजल्ट, अच्छी रैंक लेके आओ, ताकि मैं आप सभी का इंटरव्यू कर सकूं और अपने उन बच्चों को मिल सकूं, उनसे बात कर सकूं, अगर कंडीशन ठीक ठाक रही तो नेक्स्ट ईयर शायद जो हम अपना जीपैट रिजल्ट की सेरेमनी करेंगे वो ऑफलाइन ही करेंगे, तो जरूर आपको वहां पे बुलाने का मौका हमको मिलेगा, तो हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में बाकी चीजें हम कवर अप करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। सो फॉर द टुडे नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और सारी चीजें क्लियर आउट करते हैं। थैंक यू।